बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही अज़मत वला वबरहल हफा वन कशफल बिखा वन कतर रजा वज़कतिल अर्ज वमुनिअतिस समावात अलमुस्तआन इलैकल मुस्तका वअलैकल मुअव्वल फिश्शिद्दति वर्रखा اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلم البشر يا هو أكبر يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفيان فإنكما كافيان وانصران فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الاصل والزمان الغوث 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 أدركنا 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 الصراط 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين بسم الله على محمد وآل محمد وعجل محمد قلن تسمع بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المهديين المظلومين المعصومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى سبحانه في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صلوات بلند واسعات दुआ है कि जिक्र का रब बिरादर मोहतरम जनाब इमाम अब्बास कुमी साहब उनकी तौफीकात खैर में इजाफत फरमाए उस्ताद ज़ाकिरीन और उनके वालिद गिरामी उम्मी साहब के मालिक शिफा कामिला अता हाजिरीन की दुआएं मालिक अपनी बारगाह में मुस्तफा फरमाए आज के सफेदा और इस पर हाजिर आज़ादारान व मुंतज़रीन व मवालियान के दिलों के तख्त पर मसनत नशीन विलायत वली मुतलक के वसीला दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुज़ूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कायनात का मुतलकुल अनाम मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत पे अपनी मसनद इल्म सजा के कायनात के जोहला से पहले पूछो जो पूछना चाहते बड़ी मेहरबानी बड़ा हौसला है उन तमाम मोमिनीन का जिन्होंने इन अय्याम में आज़ादारी का इनाकार किया दुआ है मालिक चूंकि ये जिक्र शिफा है इस जिक्र के सदके में पूरी कायनात को बिलमून बिलखसूस मोमिनीन किराम को मौला तमाम वबाई मुजी अमराज से महफूज महफूज फरमाए दो साल में मुबतला है मालिक को इनकी शिफा कामिला चूंकि मखसूस हालात हैं वक्त मुख्तसर है थोड़े से वक्त में ही मुझे अपनी इबादत को मुकम्मल करना है अली पढ़ना मुश्किल है अली सुनना मुश्किल है अली लिखना मुश्किल है अली बर्दाश्त करना मुश्किल है फिर सुन ले अली पढ़ना मुश्किल है अली लिखना मुश्किल है अली
सुनना मुश्किल है, अली बर्दाश्त करना मुश्किल है और अली समझना नामुमकिन है। इन दिनों में जो बंदा अली नहीं पढ़ेगा वो कब पढ़ेगा? दो दिन कुमी साहब हम पूरे साल में यौम अली के तौर पर मनाते हैं, एक तेरा रजब, एक 21 रमजान। ना तेरा रजब को अली शुरू हुआ, तेरा रजब को अली शुरू हुए, ना 21 रमजान को खत्म हुआ। तवज्जो फरमाइए, तेरा रजब से पहले अली थे, 21 रमजान के बाद अली हैं। जबरदस्ती दाद लेना मुझे नहीं आता और फिर ये एक मादरे इल्मी है और यहाँ बैठे हुए तमाम अफराद यकीनन मजलिस की तहजीब से भी वाकिफ है और मैं अक्सर अपने हमासों से ये इल्तमास भी किया करता हूँ कि तहजीब मिंबर का बाहर तौर ख्याल रहे, आवाज इतनी भी बुलंद ना हो जाए कि मिंबर से बुलंद हो जाए और इतनी भी पस्त ना हो जाए बंदे को अली के फजाइल ही भूल जाए, क्योंकि जो बंदा पस्ती में बैठ जाता है उसे अली के फजाइल दिखाई नहीं देते, उसे अली के फजाइल नजर नहीं आते। अल्लाह का मुनकर काफिर है, अल्लाह का मुनकर काफिर है, अल्लाह से बोग्ज रखने वाला काफिर है। मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह से बोग्ज रखने वाला काफिर है। खुद अल्लाह ने कहा है, अल्लाह से बोग्ज रखने वाला काफिर है, मुस्तफा से बोग्ज रखने वाला काफिर है, लेकिन अली से बोग्ज रखने वाला आरामजादा। बहादुर लोग भी आते, वो बैठकर वकालत भी करते,
और वहां बैठ के वकालत करना बड़ी जरूरत का काम करना भी चाहिए। हाँ ये है उन्हें उलझाया जाता है, लेकिन उलझाने वाले भी अली के सिवा कोई फातिह बदर पेश नहीं कर सके, कोई फातिह खैबर नहीं ला सकते। आज कोई बंदा एतराज करे कि खतीब आया था वो खैबर खंदक पड़ गया, हमें 21 रमजान को खैबर बहुत याद आता है। हाँ ये फिक्रा बस मैं वैसे कह गया हूँ, इसमें गौर फरमाइएगा, 21 रमजान को हमें खैबर बहुत याद आता है। फिर कह रहा हूँ 21 रमजान को हमें खैबर बहुत याद आता है। अंबिया ने अली से मदद मांगी है, किबला ने बहुत खूबसूरत दलाइल दिए, अंबिया ने अली से मदद मांगी है, और जहन में रहे कि मदद करने वाला अफजल होता है, मांगने वाला नहीं। मदद करने वाला जी जी बिस्मिल्लाह जी है सलामत है, मदद करने वाला अफजल, मदद जी बिस्मिल्लाह से मदद मांगने वाला नहीं। खैबर की जंग हुई है जानते हैं आप, पूरा खैबर पढ़ूं माशाल्लाह तो 40 दिन चाहिए, 40 दिन चाहिए, क्या बात है, पूरा खैबर पढ़ने के लिए एक एक दिन में पूरा पूरा अमन पढ़ना पड़ेगा। आप सुन गए, लेकिन मैं 4 मिसरों में तालीबे होकर कर रहा हूं कि तारीख ने देखी है वो खैबर की लड़ाई। अब जिस बंदे की आवाज इमरान भाई बच गई, उसकी बची हुई आवाज घर में लड़ने के अलावा किसी और काम नहीं आएगी। तारीख ने देखी है वो खैबर की लड़ाई, कोई खून का थप्पा न पसीने की तरह नहीं। देखिए गुजारिश है कुछ मेहमान से, गुजारिश है मजालिस में जाए मास्क जरूर लगाए, लेकिन जो बंदे मास्क लगा के समझ रहे हैं ना मैं नहीं बोल रहा तो इसे कौन सा पता चल रहा है। मास्क लगा के भी अगर आप चुप होंगे ना तो जिसने शिप में मादर में तुम्हारी शक्ल बनाई है जिक्र उसका कर रहा है। सीने की तराई अगले 2 मिसरे पढ़ने से पहले मुझे कुछ कहना पड़ेगा। कोविड भी है, कोरोना भी है, बेरोजगारी भी है, और इन दिनों में बेखुसूस बंदे खाली हाथ घर जाए तो घर जाते ही घर वाले कहते हैं पहले आपको तवज्जो फरमाइए, लेकिन अगर दोनों हाथों में शापर हो तो फिर इस्तकबाल का अंदाज फिर ये नहीं कहते आपको रंगने हैं तो बोले आपको आएगा, फिर अंदाज बदल जाता, यानी दोनों हाथों में शापुर हो तो फिर खाली हाथ जाए तो इस्तकबाल और, हाथों में कुछ हो तो इस्तकबाल और। मैं मिनहाजुल हुसैन के साथ में बैठे हुए चुप बंदे के चेहरे की ज्यारत करना चाहता हूं, खाली हाथ घर जाने वाले खैबर की जंग के बाद सुल्फकार का उतरा हुआ सदका लेके सदका लेके घर पहुंचे, जवाहरात थे, हीरे थे, मोती थे, सोना था, चांदी थी, वो जौजा के सामने रखे, जौजा ने पहली बार मोहब्बत से देखा, इस्तकबाल का अंदाज बदल गया, इसे अगले 2 सुनने हैं, इस्तकबाल का अंदाज बदल गया जो जौजा ने मियादा हुसैन जानता, बेटे सर उठाना, जौजा ने
खैबर से पलटों में पुरामन मुजाहिद का इस्तकबाल जिन अल्फाज से किया वो सुनाने जा रहा हूं कि तारीख ने देखी है वो खैबर की लड़ाई कोई खून का धब्बा न पसीने की तराई। अब हाथ बुलंद करो मेरे वालों, हैदरी सलूनी कहा मेरे मौला अबू तालिब के बेटे ने, चार बेटे मौला अबू तालिब के बड़े तालिब, उनसे छोटे जाकर फिर अली फिर अली, यहां इमरान भाई छोटा कहना मुनासिब नहीं लेकिन बाबा इबाद चाली मुतबादिल लफ्ज नहीं, क्या कहो जिसके सबसे छोटे का नाम अली, एक और हुक्म है कैसे हुक्म एक और है उसकी भी तामील, चूंकि ये मादरे इल्मी भी है दर्शका भी है और विलायत वाले भी यहां है तो फरमाइए आजकल हमारे खान साहब पनागाहें बना रहे हैं, ये बच्चे को बिठाने बच्चे को बिठा सलवात पढ़ना शुरू है दस्तरखान भी सज रहे हैं ताकि कोई भूखा ना रहे, स्लोगन है नारा है कोई भूखा ना सो, ये हुकूमत का ऐलान है किसी को भूखा नहीं छोड़ने देंगे अफलास का। तो मैं खान साहब से मुखातिब होते दो मिसरे पढ़ रहा हूं, आपने अच्छा सुना तो उससे अगले दो मिसरे भी पढ़ रहा। इलाज मुफलसी मुमकिन नहीं खैरात से लोगों, इलाज मुफलसी मुमकिन नहीं खैरात से लोगों, फिर कह रहा हूं इलाज मुफलसी मुमकिन नहीं खैरात से लोगों, अबू तालिब लिखा जाए यतीमों की जमीनों, फिर पढ़ रहा हूं अगले दो मिसरों पर देखूंगा कौन मजलिस में बैठा है, इलाज मुफलसी मुमकिन नहीं खैरात से लोगों, अबू तालिब लिखा जाए यतीमों के जमीनों पर, और अली का नाम सुन के जिनके चेहरे ही बिगड़ जाए अमामा और अबा सजते नहीं ऐसे कमीनों पर। बड़ी हिम्मत है केवला की के कोशिश करके इस मजलिस का इनका ऐसे अयाम में करवाया गया जिनमें लाहौर मरकज है और यहां से शिफा बांटी जाती है। तुमसे दवा न होगी बाबाओं की बस करो, तुमसे दवा न होगी बाबाओं बस करो, करबो बला की खाक से दुनिया को मस करो। तुमसे दवा ना होगी दवाओं की बस करो, करबो बला की खाक से दुनिया को मस करो। जवाहर जी जीते नहीं मालिक ऐसे जिंदा रहे वो जवान जिन्होंने अय्याम अली में मातम किया, जंजीर जनी की,
उनके घर ऐसा है उन्होंने लोगों को मसाइब पढ़ना सिखाया। और यहां मैं एक फिक्र कह रहा हूं, 19 रमजान की सहर अली के सर पे इतने मुलजम की तलवार नहीं, बीबी जैनब की चादर में शिमर का नेजा था। ख्याल में हम खुदा क्यों नहीं मानते, कुर्बान जाओ तुम्हारी मार। 19 रमजान की सहर अली बादशाह के सर से इब्ने मुलजम की तलवार नहीं, सैयदा ज़ैनब की चादर में शिमर का नेजा था। आज जितना चाहो रो लेना, इस रोने में शिफा है। ये गिरिया इलाज है, इससे शिफा मिलेगी। मजमून का कोई हिस्सा नहीं पड़ता, अखीर में पढ़ने वाले पढ़ेंगे। 40 सदी गुजर गई, एक साल बाकी, 50 हिजरी, एक जनाजे पे तीर लगे। मैं देख रहा हूं आंख और नंग हो गई, बच्चों के हाथ सीने से। साठ हिजरी, 40 वर्ष को ताले लग गए। फिक्रा तेरे होने के लिए कह रहा हूं, जैसे जैसे बात पाता है तो हाइक कर सकता है। 40 घरों की चाबियां एक 6 साल की शहजादी ने उठाई। मालिक मैं मुझे जाओ जानते किस शहजादी ने, जो 28 रजब 60 हिजरी के बाद रोज़ा रसूल के चराग़ की रोशनी की ज़मीन थी। उस शहजादी ने शादी में काफिला मदीना से चल पड़ा, काट से हज को एहराम टूटे। 2 मुहर्रम को सादात और गैर सादात से माफी मांग के पढ़ने जा रहा हूं। 2 मुहर्रम को सैयदा उम्मुल बनीन के बेटे ने बतूल की बेटी का खीमा दुरूद पढ़ के करबला को मिट्टी पर लगाया। और वो खेमा जो अब्बास ने दुरूद पढ़ के लगाया था, वो 10 मुहर्रम को उम्मत ने नमाज पढ़ के जला दिया। बड़ी प्यारी बात, बड़ी खूबसूरत बात है। मिल गया, बच्चे भी रो रहे, जवान भी, दिन ही रोने की, क्योंकि इन दिनों में आपको शहजादी जन्नतुल बकी से अली बादशाह का खुर्शा लेने के लिए आती है। इन अय्याम को आम अय्याम को समझ। मैं ये नहीं कहता कि हमारी ईद नहीं होती, नहीं मैं कहता हूं हमारी ईद होती है, लेकिन हम ईद ऐसे मनाते हैं
जैसे अली के जनाजे के बाद बतूल जादी में मनाई है। हम ईद वैसे मनाते हैं, ईद वाले दिन भी होते हैं। बंदे हमें कहते हैं बाबा जी के होते हैं गुजाना मजलिस करवाते हैं। मेरा नहीं ख्याल इस इदारे के मुंतजमीन मुहतमिन सरपरस्त व सरबराने इतनी कोशिश किसी और काम के लिए की हो जितनी इस मजलिस के लिए की, क्योंकि रोले मैं उनसे कहता हूँ आप जाते हैं अफसरान के पास हुक्मरानों के पास, आपसे पूछते तो होंगे क्यों रोते हो इतना। मैं इस कौम का सबसे छोटा पति हूँ, मेरी तरफ सुने कहिएगा कि हम रोना छोड़ देंगे, हमारा एक काम कर दो, अगर वो काम हो जाए तो तुम्हें कायनात में कोई शिया बोलता हुआ नजर नहीं आएगा। हमारा काम सिर्फ इतना है कि पूरी कायनात में हुसैन की बेटी के सिवा कोई 3 साल की ज़ईफ़ा दिखा। बड़ी मुश्किल से मैंने इंतखाब किया, बड़ी जख्मी थी, कान जख्मी थे, गला जख्मी था, सर जख्मी था। अगला फिक्रा मैं कहूं चदर साहब फिक्रा पहुंच जाए ना, जो बंदा अभी तक हाय नहीं कर सका उसके पे हाथ भी मारेगा हाय भी मारेगा। इतनी जख्मी थी लाहौर वालों के पैरों के तलवों से जिल्द उड़ गई थी। अल्लाह हाय करके रोने वालों सैयदा तुम्हें सलामत रखे, जिस बंदे की हाय बुलंद हो गई, इतनी जख्मी थी कि पैरों के तलवों से जल उड़ गई। एक मिनट और कहूं शायद न कहता, एक या दो मिनट से ज्यादा ले जाऊं, होंठ जख्मी थे, माफी देना लग सकता है कि जो जवान मेरे सामने बैठे होंठ जख्मी थे। सवाल करना कि होंठ क्यों जख्मी थे, हाँ मैं बताऊंगा। जब कभी सफर से सज्जाद बैठते थे तो पांव समेट के नहीं बैठते, जैसे आप बैठे वैसे सज्जाद बैठ ही नहीं सकते। क्यों? इसलिए कि कमर से लेके पैर तक जंजीर नहीं थी, इधर भी सुनार थी, इधर भी सुनार थी, सज्जाद पांव ऐसे रहते थे। अब रखो सर पे कुरान और पूछो उनसे जो बहन के भाई हैं उनसे सवाल पूछो कि जब किसी बहन को पता चल जाए कि मेरे भाई के पैर में कांटा चुभेगा जज़ाकअल्लाह मरहबा, वो क्या करती है? पहला काम करती है कि कहीं से कोई चीज मिल जाए मैं भाई के पैर से कांटा निकाल दूंगा। मातमी जवानों मुझे बताओ उस बहन ने कांटे कैसे निकाले होंगे जिसके हाथ गर्दन के पीछे बच गए। जो बंदा अभी हाय नहीं कर सका मैं पाक मिंबर पे खड़ा हूं, अलमैन के दरमियान खड़ा हूं। शहजादी अपनी जगह से उठती थी, सज्जाद के पैरों के बोसे भी लेती थी। इसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, बाजार से उधर गई, दरबार गई, एक रस्सी नौ गर्दन दरबार में खड़ी। अचानक ऐलान हुआ पर्दा बनाओ, सुन गया क्यों? यजीद की बीवी और बेटी दरबार आना चाहती, जब मोहम्मद की बेटियां बगैर चादर उस वक्त ऐलान हुआ पर्दा बनाओ। आ गई हिंद और मंदा दरबार, वक्त खत्म हो गया। मैं मुख्तसर कर रहा हूं, ये फैसला कि रमला किसने बेटी थी, रमला आ गई शहजादी सकीना के सामने, उससे बड़ा मसाइल क्या पढ़ो कि रमला ने सर से लेके पैरों तक सकीना को देखा, देख के आवाज लेके कहती है कैदन अपना तारुफ करवा। एक फिक्रे पे छोड़ रहा हूं, शहजादी आवाज लेके कहती है मैं आलमीन के सुल्तान की बेटी हूं। यार जो बंदा अभी भी हाय नहीं कर सका
मैं आलमीन के सुल्तान की बेटी हूँ। फिर अल्लाह आवाज देकर कहती है, अगर तू आलमीन के सुल्तान की बेटी होती, देख मैं बादशाह की बेटी हूँ, मेरे कानों में यमनी धुर है। अगर तू बादशाह की बेटी होती, तेरे कानों में भी धुर होते। शहजादी आवाज देकर कहती, नाज ना कर, ये जो धुर तेरे कानों में है, तेरे नहीं। यार जो बंदा अभी आए नहीं कर सका, ये जो धुर तेरे कानों में है, ये तेरे नहीं, ये धुर मेरी। आवाज देके कहती, कैसे दावा किया? शहजादी फरमाती है, ईद के दिन मेरे बाबा ने यमन से मंगवा के लिए थे, मैंने रख लिए थे अकबर की शादी पे बहनों की। आवाज देके रमला कहती, अगर किसी की चीज गुम हो जाए ना, वो निशानी बताता है, अगर निशानी मिल गई मैं तेरे दूर वापस कर दूंगी। सकीना आवाज देके कहती, दूर उतार के देख, अगर इन पे लहू लगाए तो मेरे इसके पास आता है, अगर इन पे लहू लगा है तो मेरे, अगर लहू नहीं है तो फिर तेरे, अगर लहू नहीं है तो फिर प्यारे उसे डालना। इससे दोनों उतारे देखा तो इन पे लहू था। अब आप देख कहती, ये निशानी मिल गई, अब तू पे